हम लोग सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, मतलब उधर से पब्लिक आ गई ज्यादा। पब्लिक आने के बाद के नाम है सब लोग अपने अपने घर में चले गए। उसके बाद में इधर से कम 300-400 आदमी आए थे। 300 आदमी में आते ही मंदिर में इसमें मस्जिद में घुस गए। थोड़ा ताला लगा हुआ था इसमें, शटरों में ताला लगा, साला तोड़ा उन्होंने हथौड़ों से, अपने ईंटों से ताला तोड़ने के बाद लूटपाट कर गया। हमने क्या भी लड़ाई होगा। बड़ी मस्जिद वो जगह थी जहाँ पे जय श्री राम का झंडा लगाया था उन्होंने मस्जिद के ऊपर कल 25 फरवरी को। और वहाँ पे जाके हमें ये पता चला कि यहाँ से 1 किलोमीटर की भी दूरी से कम 5-6 गलियों दूर चांद मस्जिद है, जहाँ पे सेम तरीके से वैंडलिज्म किया गया है और तोड़फोड़ किया गया। पब्लिक आने के बाद सब लोग अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद मैंने खाली ये कह दिया ऊपर छत पे से यहाँ छज्जे पे कि इस मस्जिद में हाथ में लगाना, बस इतना ही कहने के बावजूद के नाम में सारी दुकान उकान सब तोड़ दिया। उसके बाद ही मस्जिद के अंदर भी गए, उसके बाद भी मस्जिद में गई, मस्जिद में आग लगा दी उन्होंने जाकर के, ये सारा तोड़ दिया। हमारे मेरे गल्ला वल्ला में गल्ले के अंदर 8,000 रुपये रखे हुए थे वो भी ले गए। हम लोगों ने कभी यहाँ किसी प्रकार का कभी भी किसी प्रकार का कोई टूट में यहाँ किसी से नहीं हुआ आज तक। यहाँ चंद लोग मुसलमान हैं, 4-5 घर मुसलमानों का है और सब लोग सज्जनों शरीफ हैं। लेकिन हम लोगों को इतना विश्वास है कि नाम कि भाई हमारे साथ यहाँ सब लोग हैं तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ना हमारे साथ होगा ना इस मस्जिद में कुछ होगा। बहुत बुरा लगा, बहुत फील हुआ मुझे। सबसे बड़ी बात देखो, कलम पाक अल्लाह का घर है, इसने कहा भी वाला था ये कलम पाक पाक किताब होती है। लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूँ मैं कि मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा घर हो, किसी भी धार्मिक स्थल को पहुँचाने वाला, नुकसान पहुँचाने वाला कभी सुकून से नींद नहीं आएगी उसको। मुसलमानों घर चिन्हित कर रहे थे, मुसलमानों घर कौन कौन सा है, किस किस घर में तोड़फोड़ करना है, क्या करना है, हमारे कलम पाक हमने क्या भी लड़ाई लोगों का, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा जो लोग कर रहे हैं उनसे करो, हम क्या कर सकते इसमें। ये दिल्ली है, राजधानी है भारत की, जब यहाँ ही हालत हो सकता है कहाँ और देशों के अंदर प्रांतों का तो क्या हो सकता है, कुछ अंदाजा लगा सकता। रोके क्या उनको, वो तो जो बच्चे को देख रहा कोई वीडियो बना रहा उसको भी मार रहे थे, तो खूब बड़े बड़े डंडे ले रहे थे, ऐसी बात नहीं है। मैं खूब उसको आए थे, ये भाई हमारे अकबर है, पीछे उनका दुकान है मीट का, मुर्गे का और बकरे का, उसमें लूटपाट करा उन्होंने, आग लगा दिया। कम से कम इसमें 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मेरा, क्योंकि मेरी वो 50,000 रुपये की वो डिफ्रीज है वो बिल्कुल खराब कर दी।